नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चामराजनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे गाली देने वाले लोग आज भी अंधेरे में क्यों हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अब तक की सबसे बड़ी और भावनात्मक चुनौती देते हुए कहा है कि वो 15 मिनट संसद में बोलने के बजाय कर्नाटक के चुनावी रण में 15 मिनट तक अपनी मातृभाषा में बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि अगर वो मातृभाषा में नहीं बोल सकते तो किसी भी भाषा में सीएम सिद्धारमैया सरकार के कामकाज पर 15 मिनट बोलकर दिखाएं। उन्होंने विकास के कामकाज पर भी कांग्रेस अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हमारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नए सए अध्यक्ष अति उत्साह में कभी कभी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। जो लोग दिन रात हमको गालियां देते रहते हैं, अनाप शनाप भाषा बोलते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आजादी के 70 साल के बाद आज भी क्या कारण है कि देश में 4 करोड़ परिवारों के पास घर में बिजली का दिया नहीं है। आजकल कांग्रेस में ऐसे लोग लीडरशिप कर रहे हैं जिन्हें न देश के इतिहास का ज्ञान है, जिन्हें देश के वंदे मातरम गीत का गौरव है, जिन्हें न देश के इतिहास का पता है, महापुरुषों का पता है। अरे उन्हीं की सरकार के बातों का भी अता पता नहीं है। मैं जरा उनसे आज कुछ पूछना चाहता हूं। आपकी माताजी मैडम सोनिया जी ने 2005 में मनमोहन सिंह जी के भी आगे एक कदम रख के कहा था कि 2009 तक, मनमोहन सिंह जी ने कहा था हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, आपकी माताजी ने कहा था हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, 2009 तक पहुंचाएंगे, 2014 तक आप बैठे थे, मेरे आने तक आप बैठे थे, क्यों काम नहीं किया, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो। वे 15 मिनट बोलेंगे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते, आप तो नामदार है, नामदार। तो जमकर निशाना साधा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन आइए आपको हम सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए, जिसके बाद ये जवाब उन्होंने दिया है। मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। उत्कर्ष जी, राहुल गांधी का भी बयान हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुनवाया जो कर्नाटक में है और वहां पर रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब बात की, उन्होंने सिर्फ 15 मिनट की बात नहीं की, उन्होंने इसमें राफेल डील का भी जिक्र किया, इसमें नीरव मोदी का भी जिक्र किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देना चुना तो उन्होंने ना राफेल डील का जिक्र किया और ना नीरव मोदी का नाम लिया, सिर्फ 15 मिनट की बात पर वो रहे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलकर दिखाएं, और कई फिल्मी जुमले भी उन्होंने दिए। तो क्या ये माना जाए कि कुछ खास मुद्दों से बचना चाह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी? मोदी की राजनीति को अगर आप गौर से देखिए तो वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, और खासतौर से चुनावी जो अवसर होते हैं वहां पर वो किसी एक शब्द को पकड़ते हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने जवाब देने के बजाय पाकिस्तान का सुर लिया था, इसके पहले भी वो करते रहे हैं। तो आज जब राहुल गांधी ने जब कुछ दिन पहले ये चुनौती दी थी और उन्होंने राफेल
डील और देश के दूसरे मुद्दों के बारे में बात की थी, तो उस वक्त जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, और कर्नाटक में उन्होंने इसको माहौल उड़ाते हुए, उस पूरे बात को हल्का करते हुए बोला कि राहुल गांधी विश्वेश्वरैया शब्द 15 मिनट बोल के दिखा दें। तो ये कुल मिला के उनकी एक स्ट्रेटजी होती है जहां पर वो गंभीर विषयों से बच भी जाते हैं और उसको अपने विरोधियों को हल्का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं हुआ था, ये अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में हम लगातार हर चुनाव में एक न एक ऐसा हमको उदाहरण मिल जाता है। कर्नाटक के रण के अगर हम तौर पर देखें तो उस पर क्या असर पड़ सकता है जुबानी जंग का, और साथ ही अब 2019 बहुत दूर नहीं है, अगर ऐसे ही अहम मसलों पर बोलने से बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद नरेंद्र मोदी बचते रहे तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, और अगर नरेंद्र मोदी ऐसे ही राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे और जो एक छवि है उनकी जिस तरह के राजनेता की जनता में और हल्की फुल्की बात करने वाले वो अक्सर जाने जाते हैं, क्या इस छवि को बढ़ावा देकर बीजेपी जो है फायदा हासिल कर सकती है? नहीं, देखिए दो बातें हैं शुभ्रा, इसको समझ लेना चाहिए। एक तो अगर बीते दो विधानसभा चुनाव को देखें हम, खासतौर से गुजरात को उसमें देखें और अब कर्नाटक, तो मुद्दे कहीं बदल चुके हैं। हालांकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन दरअसल वोटरों के मन में मुद्दे बदल चुके हैं। इसीलिए गुजरात का नतीजा भाजपा के पक्ष में आया तो जरूर, लेकिन उतना शानदार नतीजा जिसके दावे किए जा रहे थे वो नहीं आया। दूसरी बात, राहुल गांधी को शुरू से भारतीय जनता पार्टी और टीम मोदी ने टारगेट किया है, उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताने की कोई कोशिश में कमी नहीं रखती है ये टीम। तो आज भी जब नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो दरअसल उसी स्ट्रेटजी को आगे टो कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक के बुनियादी सवाल जो है, खास तौर से राहुल गांधी वहां मुद्दा नहीं है, वहां सिद्धरामैया जिस तरह से मोर्चा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसी तरह से ठीक जैसे गुजरात में हार्दिक पटेल और दूसरे जिग्नेश और कल्पेश ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया था, तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कर्नाटक के चुनाव में इस तरह से पार लगाने की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब कितनी होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन वहां पर स्थानीय मुद्दों को जब तक नहीं एड्रेस करेंगे, और रहा सवाल 2019 का, तो अब जनता के बीच में हम लगातार देख रहे हैं कि अब ये चर्चा भी होने लगी है कि मोदी मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता जब चाहती है जिस विषय पर उनको सुनना वो उससे कन्नी काट जाते हैं। बिल्कुल, गुजरात में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी बीजेपी, और कर्नाटक में अहम मसलों की बात नहीं हो रही है, अब दोनों ही पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।